पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर पर एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चंस करवाऊंगा प्लेन मिरर पर बेस्ड, जिसमें ज्योमेट्री यूज होगी। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि देर आर टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू M2 एंड स्ट्राइक्स ऑन M1। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 इट स्ट्राइक ऑन M2 एंड मूव्स पैरेलल टू M1 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M2। फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर M1 एंड M2। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार डायग्राम बना के आपके सामने समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है और उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में दो मिरर्स हैं, मिरर M1 एंड मिरर M2, और दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैंने एंगल थीटा मान लिया। आपसे कहा जा रहा है कि एक रे जो है वो M2 के पैरेलल आ रही है और M1 पर आकर स्ट्राइक कर रही है। यहां से स्ट्राइक करने के बाद में यहां से रिफ्लेक्ट होके M2 पे स्ट्राइक हो रही है और M2 पे से रिफ्लेक्शन के बाद में ये M1 के पैरेलल मूव कर रही है। ये इंसिडेंट है और ये फाइनल रे है जो फाइनली रिफ्लेक्ट होकर मूव कर रही है। तो आपको बताना है कि थीटा कितना है। तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस में ज्योमेट्री जम के यूज होती है मेरे बच्चों। जरा देखिए कैसे। बच्चों ये वाली जो रे है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे पैरेलल है M2 के। ये दोनों जो आपकी लाइंस हैं पैरेलल हैं, तो ये एंगल थीटा है। तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और आप लोग जानते हो कि जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल्स सेम होते हैं। अगर ये दोनों एंगल सेम हैं तो ये वाले दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। तो ये दोनों एंगल अगर सेम होंगे और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इसी तरीके से ये वाली जो रे है ये इस M1 के पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल रेज हैं, ये एंगल थीटा है। तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ना कि दो पैरेलल रेज अगर ऐसे बनाई जाए तो ये वाले एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन एंगल्स को क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। तो ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाले दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अभी हमारे पास इतना सा एक ट्राइंगल रह गया। इस ट्राइंगल में ये तीनों इंटीरियर एंगल हो गए और हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो 3 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख पा रहे हैं बच्चों, 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या है, दो मिरर्स हैं M1 और M2 और एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं। एक रे आ रही है 50 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे व्हेन इट स्ट्राइक ऑन M1 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। मतलब ये जो रे आई है ये पहले यहाँ पे टकराई, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होकर ये M2 पे जाएगी और M2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद में जब वापस आएगी M1 पर तो M1 पर कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। बच्चों अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री पर आई है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जितने एंगल पर आती है उतने एंगल पे वापस चली जाती है। तो ये एंगल भी कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। अब ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी। मैंने आपको मेरे लेक्चर 01 में, ठीक है ना, जो रे ऑप्टिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर था 01, उसमें बताया था, जब मैंने डेविएशन के बारे में बताया था तो ये आपको उस समय एक रिजल्ट बताया था कि दो मिरर्स अगर एंगल थीटा पर हो और इस पर अगर एक रे अल्फा एंगल पर आ रही हो इधर से और इस पर बीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रही हो तो अल्फा और बीटा दोनों का सम हमेशा थीटा के बराबर होता है। इन दोनों का जो सम है वो हमेशा थीटा के बराबर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, इसको हमेशा याद रखिएगा। और अगर आपने लेक्चर 01 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और जो प्लेलिस्ट है उसमें रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट में लेक्चर 01 देखिए आप लोग। ये प्लेन मिरर का वीडियो है जिसमें मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
और डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बता रखा है, ठीक है, उसको देखना आप, तो आपको ये रिजल्ट वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। फिलहाल यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों का सम हमेशा थीटा के बराबर होगा, तो अगर ये 50 डिग्री है तो उसमें मैं कितना एंगल जोड़ूं कि 60 आ जाए, क्योंकि इन दोनों का सम 60 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एंगल मुझे पता चल गया कि 10 डिग्री होगा। अगर ये 10 डिग्री होगा तो ये रे वापस ऐसे आएगी, तो ये एंगल भी कितना होगा, 10 डिग्री होगा। ये एंगल 10 डिग्री होगा, रे ऐसे आई, इस मिरर M1 पे इंसिडेंट हुई, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मुझे पता करना है। तो अब मेरे लिए जो काम में आने वाला ट्राइंगल है वो ये वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की हेल्प से मैं ये वाला एंगल निकालूंगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो मुझे ये क्वेश्चन मार्क वाला एंगल पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे, एक एंगल के दो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सिंपल ज्योमेट्री कहती है। तो देखो ये वाला एंगल 10 और 10 कितना हो गया, 20, और ये पूरा एंगल देखो, ये आपको पता है कि ये पूरा यहां से यहां तक 90 डिग्री है। अगर ये 90 है और अगर ये 50 है तो 90 और 50 कितना हो गया बच्चों, 140 डिग्री। प्लस ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को मैं स्टार एंगल मान लेता हूं, इज इक्वल्स टू, इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसको मैंने 180 डिग्री लिख दिया, ये 160 डिग्री हो गया, प्लस स्टार इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो स्टार एंगल है इसकी वैल्यू आ गई 180 माइनस 160, मतलब 20 डिग्री। ये एंगल मेरे को 20 डिग्री मिल गया, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। दिस स्टार एंगल प्लस क्वेश्चन मार्क एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये मेरे पास 20 डिग्री था, तो ये जो अननोन एंगल था मेरे पास में, ये आ गया 90 माइनस 20, मतलब 70 डिग्री। यही मेरा आंसर है।